नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लगातार पब्लिक के साथ आपकी बातचीत कर रहे हैं। एक और महिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आइए इनसे जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार मैम, आपका नाम? बसंती। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो? बहुत साल के जुड़े हैं। तो कितना विश्वास है आपको संत जी के ऊपर? विश्वास है। क्यों इतना विश्वास करते हो? भूखे मरते सी, भूखे वाले रोटी खवा पाती, कुछ नहीं सी हमारे पल्ले। एक कच्चा कोठा सा, मैं कच्चे कोठे रहती थी, नाम लिया सी। मैम फिर ऐसे संत जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं? चंगे बंदा कम करता हो, वो हरेक नु आरोप लगते हैं। तो आप तो सच्चे हैं, सच्चे सच्चाई से चलते हैं। तो पिता जी अपने बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैम आप जो सभी बोल रहे हो, किसी के प्रेशर में आके बोल रहे हो, अपनी मर्जी से बोल रहे हो? आपकी मर्जी से बोल रही है, आपके दिल से। समाज के लिए संत जी ने क्या योगदान दिया है? सारा कुछ ही देता है, जेड़ा कुछ नहीं देख सकते वो भी देता है। मैंने भलाई के कम बहुत चलाए है, खून दान, ब्लड दान, आँखा दान करी। किसकी प्रेरणा से आप लोग प्रेरित? घर वाले की आँख दान करी है, शरीर दान करे है। किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर आपने शरीर दान, आँखें दान, इतना बड़ा महायोग समाज के लिए आपने जो अपना योगदान दिया है, किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर किया है? हुक्म से पिताजी। क्या मिलता है आपको ये सब कार्य करके? खुशियाँ मिलती है, ढेरों खुशियाँ मिलती है। तोरती अब 3-4 सालों से समाज में संत जी नहीं है, आपके अनुसार क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज का इस चीज पर? इतनी खुशियाँ हमने वो बैठे ना, वो हमने खुशियाँ यहाँ दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लोग मरणोपरांत भी अपने जो जीव हैं उनकी आंखें दान, शरीर दान करते हैं, सिर्फ संत डॉक्टर गुरमीत रामदेव जी सिंह की प्रेरणा से प्रेरित होकर। आप इस बारे में ज़रूर सोचिए, फिर ऐसे संत को टारगेट क्यों किया जा रहा है और उनके ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और देखते रहिए द फैक्ट टाइम।